बचपन में ड्राइंग क्लास में हम सब ने एक नेचुरल सीन जरूर ड्रॉ किया होगा, जिसमें हम पहाड़ियाँ, पानी, ट्रीज और बर्ड्स ड्रॉ करते थे। बस वही मंजर आज हमारी नज़रों के सामने था। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नईम मिर्ज़ा, और आप है इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल LCB सफरनामा पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हम जा रहे हैं चोटीला। तो अभी हम सुरेंद्रनगर से निकल चुके हैं और यहां से हम लेंगे अहमदाबाद राजकोट का मेन हाईवे, और इस हाईवे पर होते हुए हम पहुँचेंगे आगे चोटीला पर। आने वाले कुछ समय में बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक हाईवेज पर हर क्रॉस रोड पर हमें इस तरह के ब्रिज शायद बने हुए देखने मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे चोटीला की खूबसूरती ड्रोन की नज़र से। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड में काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट आने वाले हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर से करिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं माउंटेन सिटी चोटीला में, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा होने की वजह से भूख जोरों शोरों से लगी है, तो पहले डिसाइड हुआ लंच करना और फिर निकलते हैं अपने सफर पर आगे। तो फ्रेंड्स, लंच करने हम पहुंचे चोटीला की द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है लाला रघुवंशी परोठा हाउस। तो आइए ले चलते हैं आपको वहाँ पर। वेज लवर्स के लिए मैं इस प्लेस को ज़रूर से रेकमेंड करूँगा। अगर आप काठियावाड़ में हो तो विदाउट सलाद तो आपका खाना शुरू हो ही नहीं सकता। आप देख ही सकते हो कि लाला रघुवंशी परोठा हाउस में हमें कितने सारे सलाद सर्व किए जाते हैं। घी में डुबोया हुआ बाजरी नो रोटलो और रोटली, और साथ में मसालेदार काठियावाड़ी छाछ। इट्स 3 PM, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऊपर से तो सब हंस रहे हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर से सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खाना बहुत ही बढ़िया था। आफ्टर लंच हमने वहाँ के ओनर काना भाई से भी बात की, जिन्होंने हमें बताया कि वो पिछले 40 सालों से लोगों को इसी तरह अनलिमिटेड काठियावाड़ी फूड सर्व कर रहे हैं, और एक डिश का रेट है 120 रुपीज पर पर्सन। तो आइए अब हम चलते हैं पहाड़ों के बीच, जहां हम विजिट करेंगे एक टेंपल और एक दरगाह, और फिर हम ट्रैक करेंगे पहाड़ी के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी हम जिस एरिया में हैं, उस एरिया में रात को कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, तो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है। जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूँ, वो मुसाफिर ही क्या जो मंजिल से पहले आने वाले रास्तों का लुत्फ ना उठाए। बस तो ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने मिला, और मोड़ ली हमने गाड़ी उस तरफ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस जगह की खूबसूरती ड्रोन की नजरों से।
तो आइए अब हम चलते हैं जरिया महादेव टेम्पल की ओर, जहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ पर बाइक लेकर भी आते हैं, और अगर ऐसी जगहों पर साथ में बारिश मिल जाए तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही खूबसूरती बयां करते हैं। बहुत सारे खूबसूरत लेफ्ट राइट मोड को पीछे छोड़कर हम आ चुके हैं जरिया महादेव टेम्पल पर। इन द लेप ऑफ नेचर, काफ़ी पीसफुल प्लेस है, नेचुरल सराउंडिंग्स से भरी हुई है ये जगह। मॉनसून की सीजन में जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तब यहाँ पर आसपास छोटे छोटे वाटरफॉल मतलब के झरने निकला करते हैं, तो उसी बेस पर यहाँ का नाम रखा गया जरिया महादेव। सब कुछ था, बस कमी थी तो सिर्फ बारिश की। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं नहर पीर दरगाह की तरफ। दरगाह के पीछे ही पहाड़ी है जहां पर हमें जाकर ट्रैकिंग करनी है, और जैसा कि आप देख ही रहे हो दरगाह जाने का रास्ता काफ़ी ऑफ रोड है। आफ्टर सनसेट इस जगह पर किसी को एंट्री अलाउड नहीं है, और यहाँ पर रुकना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एरिया टोटल लेपर्ड अफेक्टेड एरिया है। ड्रोन के पायलट मतीन कुरैशी ड्रोन उड़ाने की तैयारी में, तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे ड्रोन की नज़रों से। तो फ्रेंड्स, हमारी चोटीला ट्रिप का पार्ट टू यहीं पर खत्म हो रहा है। पार्ट थ्री आगे आना बाकी है, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो उसे देखना याद रखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। जाते जाते पार्ट थ्री की कुछ झलकियाँ आपके सामने रख रहे हैं। बाय बाय। जा रहे हैं स्मॉल ट्रैकिंग पर। अभी तो सिर्फ फर्स्ट फेज हुआ है, सेकंड फेज है वो, और थर्ड फेज है जो फाइनल फेज है, हमें जाना है वहाँ पर।